एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के जीआई एंड एचपीबी सर्जन डॉक्टर मनीष खरे और उनके टीम ने 9 वर्षीय एक बालक पेनक्रियास का ऑपरेशन कर उसे स्वस्थ किया है। बच्चे के अग्नाशय की झिल्ली में चोट लग जाने से उसमें पस भर गया था, जिससे बच्चे की तबीयत लगातार खराब होती जा रही। अत्याधुनिक चिकित्सा संसाधनों से युक्त एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर मनीष खरे, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी ने बेमित्रा से आए एक बच्चे के पेनक्रियास अग्नाशय का जटिल ऑपरेशन कर उसे नया जीवन प्रदान किया है। साइकिल से गिरने के कारण बच्चे के अग्नाशय में गंभीर चोट पहुंची थी, जिससे उसे पेट दर्द, उल्टी बुखार आने के अलावा लगातार उसका वजन कम होते जा रहा था। बेमित्रा निवासी बच्चे के परिजन उसे एसआर हॉस्पिटल चिखली लाने के पूर्व 3 अस्पतालों में दिखा चुके थे, लेकिन बच्चे की सेहत में किसी तरह का सुधार नहीं होने पर उसे एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली लाया गया। यहां सर्जन डॉक्टर मनीष खरे ने बच्चे की जांच कर सीटी स्कैन कराया और अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी से चर्चा कर बच्चे का तुरंत ऑपरेशन करने की बातें कहीं, जिसके बाद बच्चे का ऑपरेशन कर उसके अग्नाशय की झिल्ली से पस को निकाला गया। अब बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है। अस्पताल के जीआई एंड एचपीबी सर्जन डॉक्टर मनीष खरे, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी ने बच्चे की स्थिति और उपचार को लेकर जानकारी दी। प्रोफेसर मनीष खरे, यहाँ पे 7 तारीख को एक बच्चा भर्ती हुआ था, लगभग 9 साल 10 साल का, वजन उसका मात्र 20 किलो है और उसकी हिस्ट्री ये थी कि लगभग 25 दिन पहले उसे चोट लगी थी, साइकिल हैंडल बार इंजरी, जिसके बाद वो लगभग बेहोश सा हो गया था। तो इसके पापा इसको पीठ पे लात गिराए थे साइट ऑफ एक्सीडेंट से घर तक। थोड़े देर में पानी वानी डालने में होश होश आया होगा, तो ये थान खमरिया के अस्पताल में ले गए थे, जहाँ की डॉक्टर ने पहली सलाह दी थी कि बच्चे का ऑपरेशन होना होगा। तो जब मैंने सीटी देखा तो मैंने पाया कि इसका जो अग्नाशय है, कि अग्नाशय के टेल में चोट पहुँची थी और वहाँ एक झिल्ली बन गई थी पानी भरी हुई, लगभग 6 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर की, जो कि जिसमें पस पड़ा हुआ था। पस होने की वजह से और लगातार बुखार आ ही रहा था, बच्चा सिक था, टॉक्सिक था, खाना पीना खा नहीं पा रहा था, जैसे ही खाता दर्द होता। यहाँ जो चेयरमैन साहब हैं तिवारी जी, ये चैलेंजिंग केस है, काफ़ी बड़ा केस है, पैंक्रियास केस बच्चों में काफ़ी बड़ा होता है। तो तिवारी जी बोले कि करेंगे सर, जो भी खर्चा है वो खर्चा वर्चा देख लेंगे, अस्पताल से माफ कर लेंगे जो भी है। तो उसका सब 24 घंटे बच्चे को स्टेबलाइज करने के बाद ऑपरेशन भी ले लिया। 9 तारीख को ऑपरेशन किया, 9 तारीख को उसका पस पूरा बाहर निकाला और अग्नाशय का जो चोटिल एरिया था, उसको हम लोग अपनी भाषा में, मेडिकल भाषा में बोलते हैं डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी, तो डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी किया और जो झिल्ली बनी थी पस की उसको बोलते हैं WOPN, वर्ल्ड ऑफ पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस, वो किया। शाम से ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा लिक्विड सलाव किया, 2-3 दिन में उसे नॉर्मल खाना खाना चालू किया और 7वें दिन बच्चे को स्वस्थ कंडीशन में बिल्कुल खेलता कूदता डिस्चार्ज कर दिया। मैं डॉक्टर एसपी केशरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ एसआर हॉस्पिटल चिखली, यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। एक बच्चा, 9 साल का बच्चा, ग्राम कन्हेरा साजा जिला बेमित्रा से, बहुत ही ख़राब कंडीशन में 7 तारीख को एसआर हॉस्पिटल लाया गया, जिसको कि पेट में दर्द और उल्टी के साथ साथ 15 दिनों से तकलीफ थी, पेट में दर्द, उल्टी, साथ साथ भूख की कमी और वजन कम होने की शिकायत थी। बच्चे को यहाँ पे एडमिट किया गया और हमारे सर्जन के द्वारा यहाँ पे उनका परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत उसको सीटी एब्डोमिन की सलाह दी गई। सीटी करवाने से पेट में जो पेंक्रियाज नाम का जो आर्गन होता है उसमें चोट मिला। बच्चों को 15 दिन पहले साइकिल से गिरने के कारण पेट में चोट लगी थी, तो उसके कारण उसको पेंक्रियाज में अंदरूनी चोट लगी थी। तो फिर हमारे सर्जन के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसका तुरंत ही ऑपरेशन किया जाना है।
तो पेट खोल के उसका ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि डिस्टल पेंक्रियाटेक्टॉमी किया गया, मतलब पेंक्रियास की जो डिस्टल जो पोर्शन है उसको काट के निकाला गया। साथ ही पेंक्रियाटिको जेजुनस्टामी नली को जेजुनम से जोड़ा गया। ऐसा ये बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। पेंक्रियास अपने आप में एक बहुत ही जटिल आर्गन होता है, जिसको कि जिसका सर्जरी जो है आमतौर पर बहुत ही स्पेशलिस्ट सर्जन के द्वारा किया जाता है। तो हमारे यहाँ डॉक्टर मनीष खरे के द्वारा यह ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन बहुत काफ़ी सफल रहा और साथ बच्चे को फिर पोस्ट ऑपरेटिव उसके अच्छे से केयर किया गया। बच्चा आज की तारीख में एकदम नॉर्मल है। 14 तारीख को उसको डिस्चार्ज किया गया। बच्चे को न तो फीवर आ रहा है, बच्चा खाना खाना चालू कर दिया है और उसका वजन भी बढ़ना चालू किया। कहने का मतलब यह है कि बच्चा एकदम पूर्णतः स्वस्थ है। ऐसे ऑपरेशन हमारे चिखली हमारे एसआर हॉस्पिटल में ऐसे जटिल से जटिल ऑपरेशन करने की सुविधा है। तो मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि इस टाइप की यदि कोई सहायता चाहते हैं तो हमारे हॉस्पिटल में आके वो इलाज करा सकते हैं। कन्हेरा बेमेत्रा निवासी बच्चे के पिता सुनील कुमार साहू ने घटनाक्रम की जानकारी दी। सुनील कुमार साहू साइकिल से गिरा था कन्हेरा गाँव में। साइकिल में गिरा था, उसके यहाँ छाती में दर्द हुआ, उसके बाद यहाँ आके मवाद बन गया। बेमेतरा एक में लगा था, वहाँ बाटल बाटल लगा के एक हफ्ता रखा था, वहीं 50-60 हज़ार और लग गया। यहाँ आया तो दो दिन बाद अभी जैसे ही बाटल चढ़ाया उसके बाद ऑपरेशन करे, अभी का ठीक है। गौरतलब है कि आधुनिक चिकित्सा संसाधनों से लैस एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं। गंभीर बीमारियों, दुर्घटनाओं में घायल मरीजों के उपचार और उन्हें स्वस्थ करने को लेकर अस्पताल ने लगातार अपनी श्रेष्ठता साबित की है। अस्पताल के GI&HPV सर्जन डॉक्टर मनीष खरे छत्तीसगढ़ के चुनिंदा पेनक्रियाज विशेषज्ञों में शामिल हैं, जिन्होंने गंभीर मामलों में उपलब्धियां हासिल की हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।